सिस्टम ऑफ चार्ट है और इस पे टीचिंग कर भी सकते हैं और टीचिंग ले भी सकते हैं। इसका कैसे क्या प्रोसेस होता है वो पूरा मैं ए टू जेड दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने ऐसा कर रखा है कि विदाउट लॉगिन के कोई भी वो पेज अटेंड नहीं कर सकता। जैसे स्टूडेंट है कोई, तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर क्लिक करेगा तो विदाउट लॉगिन के वो जो है अंदर जा ही नहीं सकता, देख नहीं सकता है। ठीक है, यहाँ पे लिख रखा है दिस पेज इज़ ओनली एक्सेसिबल टू मेंबर्स, ओनली मेंबर्स ही को एक्सेसिबल है। और सेम यही चीज़ अगर कोई टीचर आकर यहाँ पे पढ़ाना चाहे तो वो भी इस तरह से पढ़ा नहीं सकता है उस टाइम तक जब तक हम उसको एक्सेस नहीं देंगे। ठीक है, दोनों के लिए सेम इसी तरह का है। अच्छा, टीचर कब कब एक्सेस करेगा? जब हम टीचर को उसकी एक्सेस देंगे तभी जाकर एक्सेस कर सकता है। सेम इस तरह से टीच ऑन ऑक्सी के नाम से है, और स्टूडेंट लर्निंग सेंटर स्टूडेंट के लिए बिल्कुल अलग पोर्टल है और इसके लिए बिल्कुल अलग सेक्शन है। उसके बाद लाइव क्लासेस आएगा यहाँ पे। अगर टीचर बनना होगा तो उसको पहले वो सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने वो करेगा, ये फॉर्म फिल करेगा। उसका जब फॉर्म फिल करके देखेंगे हम, उसमें वीडियो सैम्पल वीडियो भी भेजेगा एक आग इसके अंदर, और भेज के जब हमारे पास अप्रूवल आएगा यहाँ पे, सैम्पल वीडियो अपलोड करेगा, टेस्ट वीडियो, ठीक, उसका पूरा सब कुछ यहाँ पे करेगा। उसके बाद फिर हम उसको एक्सेस देंगे, यहाँ पे लाइव क्लास पे क्लिक करेगा। यहाँ पे भी उसको एक्सेस उस वक्त तक नहीं मिल सकता जब तक वो एज ए टीचर लॉग इन ना कर ले। ठीक है, तो अब टीचर लॉग इन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट लॉग इन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सबसे पहले बात है कि हम एक नया मेल ले लेते हैं, कोई सा मेल ले लेते हैं। ये जैसे ये लॉग इन है, साइन अप है, तो हम साइन अप पे क्लिक करते हैं। साइन अप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो तरह का ऑप्शन आ जाएगा, एक टीचर का ऑप्शन आएगा और एक स्टूडेंट का ऑप्शन आएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है कि साइन अप स्टूडेंट, स्टूडेंट साइन अप क्या है। उसके बाद बिकम एन ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर, मतलब टीचर बनने का है यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों चीज़ें के अवेलेबल है इस पर। तो मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि मैं अभी एज ए स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पे करूँ तो जैसे चलो मैं आफी का नाम डाल देता हूँ, नहीं यहाँ यार पे थोड़ा लेट आ रही इमेज। इमेज लेट आ रही है तो नेट का इश्यू होगा इस वजह से। खैर, लॉग इन दे देना, हमें लॉग इन करके फिर तुम उस पे रहना, तो फिर कनेक्ट करेंगे। एबीसी आलम, एबीसी 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे एक अपना फ़ोन नंबर डालना है, एक ठीक है फ़ोन नंबर हो गया, और एक पासवर्ड डालना है। ठीक है, अब इसके बाद रजिस्टर्ड करना है। रजिस्टर्ड करने के बाद यहाँ पे मैं आपका जो मेल आईडी होगा उस मेल पे एक मेल जाएगा, और वेरिफिकेशन के लिए मेल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद चेकअप होगा। ठीक, तो खैर अभी मैं यहाँ पे एक ऑलरेडी एक मेल मेरे पास मैं यहाँ पे एडमिन पैनल से कर लेता हूँ, क्योंकि मैं मेल नहीं खोलूँगा अभी, यहीं से मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। लेकिन आपके पास मेल जाएगा और उस मेल पे वेरीफाई करने का ऑप्शन आएगा। ठीक है, उसका अगर एज ए यूज़र साइन अप करना चाहे, नॉर्मली साइन अप करना चाहे, एज ए यूज़र भी करना चाहे तो वो कर सकता है। यहाँ पे तीन तरह के यहाँ पे साइन अप का है, एक यूज़र का है, एक टीचर का है, एक स्टूडेंट का, सबका अलग अलग तरीके का है। लेकिन ये एलएमएस सिस्टम है, इस वजह से ये सारी चीज़ें हैं इस पर। अब यहाँ पे ये क्या देख लेता हूँ, पेंडिंग 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 पेंडिंग, तो कोई अभी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब आया नहीं है। अच्छा, खैर मेल गया होगा तब मेल पे वो, पे जाके फिर हाँ साइन जा करना पड़ेगा। तो खैर कोई इशू नहीं, मैं यहाँ पे दो एक ये कर लेता हूँ, दो ऑप्शन ले लेता हूँ। अप, यूजर से ले लेना। जैसे ये है एबीसी के, ये स्टूडेंट है। ठीक है, ये अभी यहाँ पे स्टूडेंट है। ठीक, अब इसका पासवर्ड क्या है एक्स वाई जेड ये तो मुझे नहीं पता, तो क्या करता हूँ मैं इसको एडिट कर लेता हूँ और इसका पासवर्ड जो है मैं चेंज कर लेता हूँ। एडिट करके एबीसी पासवर्ड, एबीसी 1 2 3, ठीक है। एबीसी वो एट द रेट 1 2 3 कर लिया, और इसको मैं कर देता हूँ सेव।
ठीक है, तो अभी ये बन गया, क्या नाम है, स्टूडेंट हो गया। अब हम अगर इसको एक्सेस करना चाहेंगे अब इस पेज को, तो पेज को एक्सेस करने के लिए हमें करना पड़ेगा abc@gmail.com, उसके बाद यहाँ पे डालना पड़ेगा पासवर्ड 1 2 3, इसको हम कर लेते हैं लॉगिन। ये तो रही इसका स्टूडेंट का, ठीक है, ये स्टूडेंट यहाँ पे आ चुका है, एज ए स्टूडेंट यहाँ पे साइन अप हो गया है। इसके लिए स्टूडेंट के लिए अलग से एक फॉर्म होता है, यहाँ पे अलग से उसके लिए वो है टैब है, उसको जो जो एक्सेस देना है हम यहाँ पे दे सकते हैं। अब वो क्या क्या कर सकता है स्टूडेंट, यहाँ पे देखने वाली बात है। कोई कोर्स करना चाहे कोर्स कर सकता है, एक्टिविटीज़ कर सकता है, उसके बाद कोई नोटिफिकेशन उसके पास भेजा गया हो, मैंने कॉलेज की तरफ से या फिर टीचर की तरफ से कोई फाइल या कुछ भेजा गया हो तो वो सारे वहाँ पर मिलेगा। मीटिंग कर सकता, मतलब मीटिंग का क्लासेस कर सकता है, मीटिंग मीटिंग यहाँ क्लासेस का है। और फॉरम, फॉरम मतलब कोई सवाल वगैरह कोई पूछ रहा है, कुछ जान रहा है, तो वो चीज़ें यहाँ पे वो कर सकता है। इसके अलावा जो वो कुछ नोट्स वगैरह खरीद सकता है माइड इसमें, और कुछ अचीवमेंट्स उन्होंने किया है, लाइक लुक लाइक कोई सर्टिफिकेट वगैरह पाया है, कुछ क्लास के दौरान कुछ अचीवमेंट हासिल किया है, कुछ भी जिस बहुत सारे टाइप का। ये तो सब पता है, ये छोड़, वो हमें जो लाइफ वाला देखना, क्योंकि ये वो जो चाहिए है ना उसे, वो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम नहीं चाहिए, वो अपने स्कूल के लिए चाहिए। हाँ, लाइव, अच्छा लाइव वाला ही दिखाऊं सिर्फ। हाँ, क्योंकि उसे तो सिर्फ स्कूल के लिए चाहिए। चलो फिर ठीक है, कोई इशू नहीं है, मैं वही दिखा देता हूँ सर आपको। तो खामा का इतना टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हैं फिर हम, मैं डिटेल अब पे मैंने बताने कहा जा रहा हूँ। बहुत सा डिटेल बता रहे हैं, तो मैंने कहा देख लेते हैं क्या डिटेल है। हाँ सिंपल है यार, फिर इसके लिए उसका क्या है, उसका मैं तुम्हें वो करके दिखा देता हूँ ना, ज़्यादा बेटर रहेगा। वही तो हम कह रहे हैं, एकदम एक देखो बार इतना में ज़्यादा एकदम लोचा नहीं सब। है इसमें, एक प्लगइन है, ये प्लगइन पे जाओगे यहाँ पे रूम आए, रूम्स आएगा उस पर। तो ये तो इसी थीम के साथ इनबिल्ड है, WPLMS के नाम से इनबिल्ड है, चीज़ें हमें अलग से बाय नहीं करनी पड़ी है। और उसके बाद यहाँ पे आप क्लास बनाओगे, किस जो भी आपको क्लास लेनी हो क्लास बनाओगे। सपोज़ यहाँ पे इस में हमें कोई क्लास बनानी है साइंस के नाम से, ठीक है, यहाँ साइंस के नाम से क्लास बनानी है, SICENS साइंस, ठीक है, साइंस के नाम से बनानी है। अरे कोई भी बना सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा इसमें अगर कुछ नोट्स हो या कुछ इन्फॉर्मेशन है डालना चाहता डाल सकते डाल हो, सकते हैं। वो हाँ कोई इशू नहीं है। उसका एक फ़ोटो डाल सकते हैं उस पर, और कैटेगरी डाल सकते हैं किस तरह की क्लास है, हिंदी क्लास है, अरबी उर्दू जो भी है, यहाँ पे आप फ़ोटो डाल सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है डालें, लेकिन अगर डालना चाहें जो जो लेक्चर है जो चीज़ें हैं उसके बारे में डालना चाहें आप डाल सकते हैं। सपोज़ कि मैं यहाँ पे यही फ़ोटो डाल देता हूँ, अभी ये मैंने फ़ोटो डाल दिया। अब इसके बाद इसका का वो अगर हमें इसे किसी और को एक्सेस देना था वो चीज़ डाल सकते हैं, बट यहाँ पे और कुछ करना नहीं है। आपका ये पासवर्ड रहेगा, ये मॉनिटर पासवर्ड अच्छा, रहेगा, ये पासवर्ड आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, यहाँ पे आप इसको साइन अप कर सब दीजिए। क्रिएट हाँ करेंगे। इसमें पब्लिश कर दीजिए, ठीक है। पब्लिश करने के बाद आपको जो है ना यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा, ये लिंक आ गया। अब इस लिंक को आप कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं। तो मेरे केस में जो मैंने कर रखा है वो ये लिंक है, इस लिंक को आप किसी पेज में भी बना लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं पे भी रख लो। बट मेरे केस में मैंने इसको जो एक्सेसिबल के हिसाब से बना रखा है, अब ये आ गया इस तरह से, ठीक है, ये बहुत बड़ा फ़ोटो हो गया, ये आ गया। अब यहाँ पे हम ज्वाइन पे क्लिक करेंगे, और ज्वाइन पे क्लिक करके अपना वो स्टूडेंट का आईडी डालेंगे और ज्वाइन हो जाएगा। जैसे अब ये है, यहाँ पे मैं एज ए स्टूडेंट यहाँ पे लॉग इन हो रहा हूँ, ठीक है, एज ए टीचर मैं उस पर लॉग इन हो रहा हूँ। टीचर के लिए भी यही एक्सेसिबल है और स्टूडेंट के लिए भी वैसे ही एक्सेसिबल है। अच्छा, और डिफाइन कैसे होगा कि ये टीचर है, ये वो स्टूडेंट पेज पेज बनाना पड़ता है, और पेज बना के उसमें मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। है? जैसे अभी ये हम अब अपने जैसे अब पेमेंट ये पे पेज रूम है, बनाया। अब जैसे अब ये पेज, ये पेज आप तुम ओपन करो, ये ज्वाइन पे क्लिक करा, तुमने ओपन किया है, ये वाला देखो मैंने तुम्हें व्हाट्सएप किया, मैं भी देखो हाँ ठीक है, वो ओपन कर रहे हैं ना। तो ओपन करने में वहाँ पे क्या नाम मांग रहा है,
सही है। अब हम यहाँ पे पेज ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। हाँ, नाम मांग रहा और एक्सेस कोड। अच्छा, आप अपना नाम डाल दो। हाँ, अब सर डाल दिया हमें ये अपने को। और उसमें एक्सेस कोड जो है ये वाला डाल दो, मैंने भेजा अभी। रुक जा रुक जा, तुम इसमें मत करो, मैंने तुम्हें भेज दिया है, तुम अपने सिस्टम में करो भाई। हाँ, तो अभी अभी जो है सपोज कि आप अभी यहाँ पे एज ए स्टूडेंट जुड़ गए हैं, और मैं यहाँ पे एज ए टीचर के हिसाब से अगर मैं करना चाह रहा हूँ, बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। जैसे उस बटन पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे इस तरह का अलाउ करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है? कि अलाउ क्या करना है आपको, क्या नाम है, सुनना है माइक्रोफोन के साथ या क्या है। तो मैं माइक्रोफोन यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर मैं अलाउ कर लेता हूँ, माइक्रोफोन को कनेक्टिविटी कर लेता हूँ। 1 मिनट रुक जाइए, छोड़ दीजिए, आप मत कीजिए। हाँ, एक ये है कि अगर आपको सवाल कोई पूछना हो ना, जो समझ में नहीं आ रहा है, प्रेजेंटेशन चल रहा है, तो उस प्रेजेंटेशन में, अच्छा मैं अभी आपका मोबाइल में, आप कुछ बोलिएगा मत, ठीक है? अब यहाँ पे आपको सुनाई दे रहा होगा मे बी, ठीक है? अब ये आपका कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगा। इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं ये पहले देखने की ज़रूरत है। हम लाइव चैट कर सकते हैं इस पर, ठीक है? और ये टैक्स है तो हम लाइव चैट कर सकते हैं। उसके बाद वेबकैम से हम कैमरा वगैरह दिखा सकते हैं। अब हम कैमरा क्लिक करेंगे, हमारा फ़ोटो आना शुरू हो जाएगा, ठीक है? इसको प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दिखा दूँ, तो बल्कि नहीं, अभी अभी नहीं, वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे ऑडियो दिखा सकते हैं, उसका इमोजी वगैरह भेज सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, पोल कर सकते हैं, ये चीज़ कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है? आप उधर से अपना अगर कैमरा ऑन करोगे तो कैमरा आपका दिख जाएगा, ठीक है? मेरे केस में अभी यहाँ पे कैमरा लगा हुआ नहीं है मेरे से पीसी में, इसलिए अभी नहीं दिख रहा। आपका वहाँ पे कैमरा ऑन करोगे, कैमरा यहाँ पे वो आ जाएगा। अच्छा, कि जितने लोग यहाँ पे कनेक्ट होगा ना, वो सब नाम आ जाएगा। एक ऑक्सर नाम है, दूसरा अफसर है। ऑक्सर क्या, एज ए क्या, मैं ही हूँ यहाँ पे। आप, हाँ आपका तो आ रहा है अफसर, ये दिख नहीं रहा आपको स्क्रीन पे, देखो आ रहा है ना, ठीक है? ये आपका फोटो भी आ गया, अभी आपने फोटो शेयर किया, फोटो भी आ गया, ठीक है? ये देखो आ गया ना। अब यहाँ पे एक साथ चाहे 100 लोग भी जुड़ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इसकी खास बात ये है कि आप यहाँ पे प्रेजेंटेशन जो है वीडियो भी अपलोड कर सकते हो, ऑडियो भी कर सकते हो, और टेक्स्ट भी कर सकते हो, पीडीएफ भी कर सकते हो, ठीक है? और अगर आप चाहो ना जी इसको हैंडल करें, तो आप भी कर सकते हो अपने सिस्टम में। आप कुछ भी लिखो उस पर, बस ये आ गया ना, मैसेज आ गया यहाँ पे। कुछ मैसेज करना चाहे मैसेज कर सकते हैं, लेकिन आप अगर इस बोर्ड पे कुछ लिखना चाह रहे हैं ना, तो भी आप इस पे लिख सकते हैं। अच्छा, तो खैर शायद उसमें एक्सेस नहीं है मेरे ख्याल से, तो वो एक्सेस देना पड़ता है। अब बात करें तो, अब अगर हम इसमें कोई प्रेजेंटेशन अपलोड करें, प्रेजेंटेशन आप क्या क्या अपलोड कर सकते हैं, पोल कर सकते हैं, मतलब कोई क्वेश्चन आंसर है वो पोल कर सकते हैं, और अपना प्रेजेंटेशन हो जैसे, और ये मैक पीडीएफ में, सॉरी पावर पॉइंट में कोई प्रेजेंटेशन हो ना आपका, तो आप वो प्रेजेंटेशन भी अपलोड कर सकते हैं। कोई इमेज अपलोड करना चाहिए, इमेज अपलोड कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको करना क्या है, ठीक है? क्या चीज़ समझ में नहीं आई? हाँ अरे, वो हम जो एज ए एडमिन होगा ना, जो बंदा, वो एडमिन टीचर को एक्सेस देगा और स्टूडेंट को एक्सेस देगा, वो अलग अलग से देगा। अब अगर बात कर लें हम एडमिन की, तो हमें एडमिन में यहाँ पता चलेगा जो कौन टीचर है कौन स्टूडेंट है। यहाँ पे ऑल रूम कैटेगरीज, ऑक्सिल पब्लिश टू पब्लिश देखो देखो देखो, इसमें क्या है ना, इसमें क्या है कि यहाँ पे जब साइन अप करते हैं ना, तब उसी टाइम जो है वो स्टूडेंट का करेंगे तो स्टूडेंट को मिल जाएगा, और क्या नाम है, इसके लिए करेंगे टीचर के लिए करेंगे तो टीचर के लिए मिलेगा, लेकिन वो एक्सेसिबल आपको देना पड़ेगा। जो एडमिन होगा, मॉडरेटर होगा ना, वो देगा एक्सेस, ठीक है? चलो खैर, कोई इशू नहीं। अभी मैं यहाँ पे जैसे कोई इमेज मैं अपलोड कर लेता हूँ,
ये हो गया अपलोड, इमेज भी मैंने अपलोड कर ली और एक प्रेजेंटेशन भी अपलोड कर ली, ठीक है। दो चीज़ मैंने इसमें कर लिया ऑलरेडी, यहाँ पे मैंने इमेज कर ली और साथ साथ एक प्रेजेंटेशन भी कर ली है। हो जा जल्दी, ये लंबा प्रेजेंटेशन है इससे थोड़ा टाइम ले रहा, 20-25 पेज का है। हाँ नहीं, हमारे पास वो जो है ना वेबसाइट ही से आया हुआ है, उसका ये सर्वर जो है ना इसका इसका सर्वर में भी शायद चेंज होता है कि क्या, लेकिन जो हम एक्सेसिबल होते हैं वो अपने वेबसाइट पे जाकर सेव होता है। अगर हम इसे रिकॉर्ड करना हो सपोज, तो हम जब रिकॉर्ड करेंगे इसको ना, तो हमारे सर्वर पे जाके सेव हो जाएगा, ठीक है। और इसका एक्सेसिबल भी, रिकॉर्ड का ऑप्शन कहाँ है? इसका एक्सेसिबल भी यहीं से आपको मिल जाएगा। ये तो स्क्रीन शेयर, अगर आप स्क्रीन शेयर करना चाह रहे हो उसके लिए, एक मिनट, रिकॉर्ड में देख रहा हूँ, रिकॉर्ड 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 रिकॉर्ड। अच्छा लग रहा है ये अपडेट कर दिया है, अभी रिकॉर्ड का ऑप्शन नहीं दिख रहा यार, अपडेट हो गया है लग रहा है, रिकॉर्ड का ऑप्शन नहीं दिख रहा। अलग से अगर करना चाहते फिर इसका रिकॉर्ड कर सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डर से। अच्छा खैर, अगर हमें स्क्रीन अगर शेयर करना हो, हमें यहाँ से अगर स्क्रीन शेयर करना तो भी हम कर सकते हैं, अपना स्क्रीन शेयर करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। अब यहाँ पे कोई भी प्रेजेंटेशन वगैरह हम उसमें करना चाहें कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। अब जैसे कि हमें एक प्रेजेंटेशन अभी हमने यहाँ पे अपलोड की थी, अब दूसरा जो एक और था, किधर गया, शायद एक ही अपलोड हुआ लग रहा। एक ही अपलोड हुआ लग रहा है, हाँ ये आ गया ना, अब यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आप बिल्कुल इजीली जो है ना, आप उसमें पढ़ा सकते हैं जो भी चीज़ें हैं, बिल्कुल इजीली पढ़ा सकते हैं। इसको फुल स्क्रीन करना है, ये आपका फुल स्क्रीन हो गया, अब सिर्फ आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, है ना। अब यहाँ पे फुल स्क्रीन करके आप इजीली पढ़ा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप टैक्स भी ले सकते हैं एक साथ। हाँ, रिस्पॉन्सिव, आप चाहे तो मोबाइल से भी ले सकते हैं, डेस्कटॉप भी ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और कुछ लिखना हो, कुछ करना हो, आप इजीली यहाँ पे कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। बस इसका यह है कि आप एक्सेसिबल जब देंगे तो एडमिन ही दे सकता है, कोई दूसरा नहीं दे सकता। और एक्सेस भी वही करेगा जिसको एडमिन देगा, चाहे टीचर हो या चाहे स्टूडेंट हो। स्टूडेंट आप अपना ना, स्टूडेंट नाम नाम डालेगा, पासवर्ड डालेगा, तभी जाके एक्सेस मिलेगा, समझ गए। किसका?